के लिए रन चाहिए मेरे हिसाब से 24, प्रत्येक ओवर में 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। गुरुजी बोलते थे पैंट फट गई, क्या करे पैसा नहीं, लेकिन इस बार हवा में और आउट। उसी तरह अभी अंडा लेके वापस आ गए कुणाल कोहली। वो देखिए ये लगाया है ना संदेश की, ये इस बार चतुर है, देखिए ये बदक लगाया, क्या बात है। हाँ अभी क्या हो गए, वो पहले के जमाने का खेल अलग था ना, अभी क्या है मैदान के अंदर नेक्स्ट बैट्समैन सिद्धेश कोहली, और कोहली सिद्धेश बाहर जाने की संभावना लग रही है। सिद्धेश बाहर, क्या गेंदबाजी का मुजारा प्रतीक पाटिल, बात है सलाम साहब आपको। और ये गेंद अपील लेग बिफोर, शानदार जानदार आयोजन नियोजन को आप देख रहे हैं। ओमकार कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी 2022 का आयोजन, एक दिन का आयोजन, और देखिए एक दिन का आयोजन कितना खूबसूरत है। पर विकेट के सामने आ चुके हैं और इसी के साथ देखा जाए मिडिल स्टंप के ऊपर मिल चुके हैं और बैट्समैन वापस आ रहे हैं अलंकार कोहली, शून्य रन बना के 4 विकेट। प्रतीक पाटिल ने 4 विकेट लिए, उनके जो गेंदबाज थे उन्होंने हैट्रिक लिया था, जिस गेंदबाज का नाम है अलंकार कोहली। उसके बाद अलंकार कोहली को उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, तुम्हारी हैट्रिक है लेकिन तुम्हारे 4 बल्लेबाजों आउट करने का मेरा ये पराक्रम है। व्हाट अ गेंदबाजी प्रतीक, मैंने शुरू में कह दिया था ना कि गेंदबाजों की गेंदबाजी चली तो चली, लेकिन ऐसी गेंदबाजी चली पहले। 12 गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए मेरे हिसाब से 24, प्रत्येक ओवर में 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और 6 की संभावना, 6 की संभावना, जा रही गेंद, अरे और बढ़िया है पर यार सचमुच मुझे लग रहा है कि वहां देखा जाए तो क्या है, देखिए पहले कुछ नहीं है, क्या उड़ान मारी, देखिए 1 ही रन मिल जाएगी ऊपर, मतलब बाहर जाने वाली गेंद को इस बार ऐसी छलांग लगाई और गेंद को उन्होंने अंदर डाला और खुद बाहर गई प्रतीक पाटिल, क्या बात है। क्या बात है, ऐसे फील्डर बहुत देखने को कम मिल जाते हैं। देखिए रिप्ले में देख सकते हैं, ये देखिए व्हाट अ फील्डिंग यार, छलांग ऐसी मारी जैसे हम पहले बचपन में आम को तोड़ने के लिए जाते थे ना पेड़ के, वैसी छलांग छलांग। टूर्नामेंट से एक ट्रॉफी जोरदार टाला उन जाऊ दिया।